सो आफ्टर दिस स्टेप सम कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स आर देयर विच यू हैव टू राइट इन द नोटबुक. जब तक आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस स्टेप इज़ कमिंग. तो एक बार मैं आपको लिख कर समझा दे रही हूँ कि कैसे क्या करना है, लेकिन आप फिर भी इसको कॉपी करने की जगह अपने आप से सॉल्व करें. तो ये जो लिखा है डेल्टा यू इज़ इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ, यहाँ पर क्या किया है इस स्टेप में, सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट की हैं. इनिशियल जो थी पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू ये, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कराई है वो ये. इन दोनों को इस स्टेप में पुट कर दिया. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है. ओके, तो अब जो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसमें, तो इसमें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें करना क्या है, हर एक स्टेप को लिखना है. तो उसके लिए देखिए, जब आप इसमें से कॉमन लेंगे 1/2, सबसे पहले तो 1/2 कॉमन आ जाएगा. कॉमन लेने के बाद में फर्स्ट वाली ब्रैकेट में क्या बचता है, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस यहाँ बचता है C2V2 स्क्वायर. ओके, ये हो गई आपकी पहली वाली ब्रैकेट. माइनस उसके आगे जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें दो टर्म्स लिखे हैं, न्यूमरेटर में लिखा है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है. ओके, और अपॉन में है C1 प्लस C2. तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया क्या किया, बस हाफ कॉमन लिया और कुछ नहीं किया है. अब की बार में हमें क्या करना है, अब की बार में हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ अपॉन में C1 प्लस C2 है, पहले वाले टर्म में अपॉन में कुछ नहीं है. तो एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो इसके आगे वाला जो स्टेप होगा उस स्टेप में आपको क्या करना होगा, सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से करने हैं. तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू हाफ ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, और अब बचता है ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन. अब हमने इसमें क्या किया है, एलसीएम ले लिया है, पहला टर्म ये और दूसरा ये. ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये जो C1 प्लस C2 है इससे इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई होगी. तो आप ऐसे लिखोगे C1 प्लस C2 कहाँ गया, मल्टीप्लाई में. उसके आगे ब्रैकेट में जो ये लिखा था वो आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस प्लस C2V2 स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस उसके आगे आएगा माइनस साइन, तो माइनस में ये वाली ब्रैकेट आएगी C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर. ठीक है, और इन सभी के होल अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है तो ये सभी के अपॉन में आ गया है. ठीक है, तो ये जो होल अपॉन में C1 प्लस C2 है ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा. अब 2 के साथ में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 × C1 प्लस C2. तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, ये वाला जो स्टेप है ना, इसमें 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा C1 प्लस C2. ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, तो ब्रैकेट में भी मैंने आपको बताया था कि C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई में आ चुका था, और उसके आगे लिखा था मल्टीप्लाई में C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर. तो पहले इसको सॉल्व किया. ठीक है, तो C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर से. तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए सॉल्व होके क्या आया, सॉल्व होके ये आ रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1C2V1 स्क्वायर प्लस C1C2V2 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर. ओके, उसके आगे क्या आ रहा है, उसके आगे वही माइनस साइन है जो यहाँ लगा था, जिसके आगे हाफ आपने कॉमन लिया था. तो माइनस से क्या किया है, मल्टीप्लाई की है, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगा के A+B होल स्क्वायर से इसको ओपन किया है और माइनस से मल्टीप्लाई की है. तो ये बन गया आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1C2V1V2. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं और दिख भी रहा है कि प्लस माइनस के हैं, सेम है, कैंसिल हो सकते हैं. जैसे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर जो सबसे पहला लिखा है, और यहाँ माइनस में लिखा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही C2V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बचता है 1/2 C1C2, 1/2. उसके बाद में और क्या क्या चेंजेस किए हैं, अब इतना सॉल्व करने के बाद में एक काम और किया है यहाँ पर,
कि वन अपॉन टू के साथ में आपका अपॉन में सी वन प्लस सी टू तो आ ही रहा था। अब न्यूमरेटर में जो भी चीज़ें हैं उन सभी में आप देख रहे हैं कि सी वन सी टू यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है, तो सी वन सी टू को कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो वन अपॉन टू न्यूमरेटर में आ गया, सी वन सी टू डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, सी वन प्लस सी टू ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू। और ये एक आइडेंटिटी भी है, कौन सी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ सी वन सी टू और ये अपॉन वाला सी वन प्लस सी टू, और न्यूमरेटर में एक चीज़ और आ गई जिसको हमने इसको जो है वो आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लिया, वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर। तो ये स्टेप ऐसे नहीं है कि आप देख के समझ लें, और वैसे भी जहाँ भी मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स आते हैं, उनको बिना प्रैक्टिस करे लिखना तो दैट इज़ वेरी यू नो यूज़लेस। तो मैथमेटिकल टर्म्स को, मैथमेटिकल स्टेप्स को लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है। सो राइट ईच एंड एवरी स्टेप एंड ट्राई टू डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ बुक और नोटबुक। अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिए और फिर ये देखिए कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा स्टेप है यहाँ जो मिसिंग है। ओके फिर जो भी समझ में नहीं आता है उसको पूछिए। तो ये जो मैंने अभी आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कराया, और इसमें स्पेशली ये वाला जो मैंने स्टेप कराया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके स्टेप्स अगर मिसिंग हो गए, समझ में नहीं आए, मिस्टेक्स हो गई, तो आपको आता होगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, वो मार्क्स कट जाएंगे। ओके सो टेक केयर ऑफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करिए। ओके उसके बाद आते हैं हम फिर से न्यूमेरिकल पर। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो लुक एट दिस, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड भी है और एनर्जी से रिलेटेड भी है। तो इसमें लिखा है इन फिगर द एनर्जी स्टोर्ड इन सी फोर, ये नीचे है सी फोर इज 27 जूल, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द डायग्राम, इसमें ये तीन कैपेसिटर्स जो हैं सी टू सी थ्री सी फोर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और सी वन जो है वो इन सभी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इनकी कैपेसिटेंसेस दे रखी हैं, पी और आर जो है वो एंड पॉइंट्स हैं, और आपको करना क्या है, इस पूरे नेटवर्क में सारे कैपेसिटर्स की वजह से जो टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है वो फाइंड करनी है। तो एनर्जी जो स्टोर होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है, हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है और क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी भी होता है, और मोस्टली हाफ सी वी स्क्वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ वी कॉन्स्टेंट होता है, और क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी सीरीज़ में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ क्यू कॉन्स्टेंट होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बस इसकी एनर्जी दे रखी है, तो अगर हमें इसका पोटेंशियल पता चल जाए तो हम तीनों की एनर्जी निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों में पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पहले हम तीनों की एनर्जी निकाल लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इतने पोर्शन की एनर्जी आ जाएगी। फिर हम इतने पोर्शन का चार्ज निकाल लेंगे, तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, सीरीज़ में है, तो यहाँ चार्ज वाले फॉर्मूले से एनर्जी निकाल लेंगे, फिर सम अप कर लेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। गिवन क्या है, सी फोर में जितनी एनर्जी है वो गिवन है, हम सी फोर से ही स्टार्ट करते हैं कि वी नो द रिलेशन ऑफ एनर्जी फॉर कैपेसिटर सी फोर। तो एनर्जी का रिलेशन सी फोर के लिए क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, कितनी है ये दे रखा है 27, ठीक है। अब इसमें हाफ सी कितनी है सी फोर वाले में, 6 माइक्रोफेरेड, और माइक्रोफेरेड में ही छोड़ देंगे। वी स्क्वायर यहाँ से हम कर सकते हैं फाइंड 27, तो वी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 6, तो वी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 27/3 यानी कि 9, और वी कितना हो गया 3, तो वी स्क्वायर का ही यूज़ होगा आगे, तो वी स्क्वायर कितना है 9 है। ओके अब वी स्क्वायर 9 है, तो हम आते हैं सी थ्री वाले कैपेसिटर पर। तो अब देखिए सी थ्री वाले कैपेसिटर में फिर से सेम फार्मूला मैंने यूज़ किया, हाफ सी वी स्क्वायर वाला।
तो सी थ्री वाले में लिखा हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी कितना है इसका, थ्री, वी स्क्वायर कितना है, नाइन। सॉल्व किया कितना हो जाएगा, तो इसमें 27/2 आया। 27/2 को आपने कैंसिल किया तो ये कितना आया, 13.5 जूल। ओके, ये सी थ्री में एनर्जी आई। अब आप फाइंड करेंगे सी टू में फिर से इसी फॉर्मूले से, क्योंकि सबके लिए वी कांस्टेंट है, तो फिर से आपने ये यूज़ किया। तो नाउ फॉर सी टू, तो फिर से फॉर्मूला बन गया हाफ सी वी स्क्वायर, 2 × 9, ये कैंसिल, कितनी एनर्जी आई, 9। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों की एनर्जी है, तो हम इस पूरे की एनर्जी फाइंड कर लेते हैं कि ऑल द गैपस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हो जाएगी 27 + 13.5 + 9। ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद जो इनका एडिशन आता है वो कितना आया, तो दैट विल बी, ऐड करके देखिएगा, 49.5। इसमें आ रही है एनर्जी 49.5 जूल। ठीक है, आप इसकी एनर्जी 49.5 जूल है, एक काम किया इसी में कि इसमें ही एनर्जी का एक फॉर्मूला लगा दिया, इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन की ही बात हो रही है, Q² / 2C, ये भी इतना ही होगा 49.5, लेकिन यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, Q², तो 49.5 × 2 × C का मतलब इसकी टोटल कैपेसिटेंस तीनों पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड होंगे 2 + 3 = 5 + 6 = 11। ओके, जब ये सॉल्व करेंगे आप तो कैलकुलेशन करके आपको चेक करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन से देखिएगा Q का आंसर कितना आ रहा है, तो Q² का आंसर लगभग जो है 49.5 × 2, ये मैंने सॉल्व जो किया है वो मैंने मल्टीप्लाई नहीं की है, क्योंकि मल्टीप्लाई की नीड भी नहीं है, 49.5 × 22। ठीक है, ये आ रहा है 49.5 × 22, ये आप सॉल्व करके देख लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या करना है आपको, अब इस वाले के लिए आपको फाइंड करनी है एनर्जी, तो फिर से हमने इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला लगाया Q² / 2C। Q² अभी जो आपने सॉल्व किया था 49.5 × 22, और अपॉन में 2 × इसकी सी कितनी है, 1। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लिया, 11 और 49.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 544.5 जूल। तो इसमें कितनी एनर्जी है, 544.5 जूल, इसमें कितनी एनर्जी आ रही थी, 49.5 जूल। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और फाइनल आंसर जो है इसका चेक कर लीजिएगा, आई थिंक कि फाइनल आंसर जो है लगभग वही आ रहा है, 594.5 जूल। तो ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। ओके, थैंक यू।